देखिए मैं एक बार और नई वीडियो के साथ में सांपों की जानकारी के लिए आपके साथ में आया हूँ, क्योंकि लोग सांपों को घर में देखकर उनको अपने दुश्मन समझ के मार देते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि सांप हर कोई एक सा नहीं होता है। इस प्रकार का मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये जो सांप है ये कॉमन उर्स नेक है, ये आप इसको देख सकते हो, सबसे ज़्यादा काटता है, पल पल पर काटता है ये सांप। ये देखिए बार बार काटेगा, ये काट रहा है, जिस तरीके से पल पल काटता है ये सांप, और इसका नाम कॉमन उर्स नेक है। तो इसको मराठी में घर चींटी के नाम से भी जाना जाता है, अक्सर जो घरों में बरसातों में पाया जाता है और छिपकलियों का शिकार करता है। इस पे आप देख सकते हो जो सफ़ेद सफ़ेद धब्बियां बने हुए हैं पूरे पे, और चॉकलेटी कलर का दिखता है, बादामी कलर की इसकी मुंडी है, इस प्रकार की है। और इसी प्रकार में आता है करैंत, जो काले कलर का रहता है, वो इसी तरह का रहता है, उसका हम शकल है, और वो इतना जहरीला होता है कि उसको 3 घंटे में आदमी की जान जा सकती है। उसको गलती, इस तरीके की गलती आप ना करना, क्योंकि हम इस काम में एक्सपर्ट हैं, वो पकड़ने का पूरी पूरी इनके लिए वो मिली गई है। लेकिन आप देख सकते हो किस प्रकार का है जी। अभी हम इसको फॉरेस्ट में रिलीज करने आए हैं, हमारे साथ में फॉरेस्ट अधिकारी भी मौजूद हैं, इनके साथ में हम यहाँ पर इनको फॉरेस्ट में इनके पर्यावरण में छोड़ रहे हैं। लेकिन आपको कहाँ कहीं भी सांप देखें इनको ना मारें, अगर ये कहीं से भी काट ले तो किसी बाबा वेराइटी के पास ना जाएं, क्योंकि बाबा वेराइटी तो ठीक कर सकता है, क्योंकि इनमें जहरी नहीं पाया जाता, तो बाबा वेराइटी ठीक कर देगा, तुम सोचोगे कि हाँ हमें बाबा ने बचा लिया। हम इसको हम फॉरेस्ट में छोड़ रहे हैं, ये अपने पर्यावरण में वापस चला जाएगा। ये देखिए ये अपने पर्यावरण में वापस जा रहा है, इनको भी जीने का अधिकार है, इनको इस तरीके से ना मारा जाए, चला जाएगा और छोड़ दे। और मैं जो इंडियन रेस्नेक, जिसको इंडियन रेस्नेक कहा जाता है, वो सांप मैं आपको दिखाता हूँ। बेवसराय में बैठ गया, बोला सही जगह जा रहा है। ये इंडियन रेस्नेक है जो आपको दिखा रहा हूँ, इसको लोग इसको अपने भारत में घोड़ा अपने मध्य प्रदेश में घोड़ा पचाड़ के नाम से जानते हैं। इसको अपने मध्य प्रदेश में घोड़ा पचाड़ के नाम से जानते हैं और मराठी में इसको धामन के नाम से जानते हैं। तो जी देखिए ये सांप को मैंने निकाल दिया है, ये काफी बड़ा सांप है, और मैं इसको दिखाता हूँ आपके लिए, इसके बारे में बताता हूँ कि कुछ लोगों की अफवाह है कि इसकी पूंछ में कांटा होता है, और ऐसा कुछ नहीं है। आप देख सकते हो इसकी पूंछ में कोई कांटा नहीं होता, मैं अपने पूरे चेहरे पे आपको मल के दिखा दूंगा, इसकी पूंछ में कहीं कांटा नहीं होता। और कुछ लोगों की अफवाह, इसके बारे में कई अफवाहें हैं, कहते हैं कि ये दूध पी जाता है, लेकिन सांप देखो दूध नहीं पीता। अगर सांप दूध पी लेगा, अगर सांप दूध पी लेगा तो वो मर जाता है, क्योंकि उसमें दूध पचाने की वो नहीं पाई जाती। और सांप कभी भी, सांप को आपने देखा होगा उसकी दो जीभ निकलती हैं, वो दूध चूस ही नहीं सकता है, इस प्रकार का अंटा दे लेता है। देखिए मेरे हाथ में दे रहा है, आज हम इसको भी इसके विभाग में, इसके वन विभाग में इसको छोड़ने के लिए आए हैं जहाँ पर, क्योंकि इनको इस तरीके से ना मारा जाए, कहीं भी आपको दिखाई दे तो घोड़ा पछाड़ है, तो मतलब ये घोड़ा से भी तेज दौड़ जाएगा। हाँ, इसका नाम घोड़ा पछाड़ है, घोड़े को पछाड़ देता है, बहुत सबसे ज्यादा स्पीड में जी सांप भागता है। मैं कैमरामैन जरा बताइए इसकी जीप, ये देखिए इसने इस तरीके से जबान निकाल रहा है, आपको फटी हुई दिख रही होगी बीच में, इसलिए जो दूध को नहीं पी सकता है, क्योंकि ये चूस ही नहीं सकता है, क्योंकि जीभ बीच में से फटी है, ये चूस नहीं सकता है। और बच्चों चूस नहीं सकता है, वो दूध कैसे पी सकता है, और ना ही इनके अंदर दूध पचाने के लिए उसकी मशीन पाई जाती है। जो दूध पी लेगा तो मर जाता है, सपेरे पकड़े सपेरे आते हैं और हमको बेवकूफ़ बना जाते हैं कि सांप दूध पीता है, सांप बिल्कुल दूध नहीं पीता है। अब हम इसको फॉरेस्ट में छोड़ रहे हैं, इसके बारे में कई जानकारी मैंने आपको दी, देखिए इसके बारे में मैंने आपको कई जानकारी दी। ये घोड़ा पचाड़ सांप है और काटता बहुत तेज है, काटता बहुत तेज है। अब हम इसको पूरे अधिकारियों के साथ में छोड़ दो, इनको जहाँ छोड़ रहे हैं फॉरेस्ट में, जा फॉरेस्ट के पूरे इस तरीके से ये अंटा दे लेता है आपने। रामदान देखिए कितना बड़ा सांप है जी, गया कितने फास्ट दौड़ रहे थे वो। और जी अपने अब हमारे जो वन विभाग के अधिकारी हैं, ये भी आपको कुछ बताएंगे यहाँ पर। आप सभी लोगों को मैं ये संदेश देना चाहूंगा कि सांप हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है, पर्यावरण मित्र है हमारे, पर्यावरण मित्र होते हैं सांप हमारे, तो इनको आप प्लीज, हम वन विभाग की ओर से आपसे निवेदन करते हैं कि सांपों को न मारें,
वो भी आपके मित्र हैं, वो आपको नुकसान कभी नहीं पहुंचाते हैं। और भारत में सिर्फ 4 या 5 प्रकार के ऐसे सर्प हैं जो जहरीले होते हैं, इसलिए डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको सांप काट भी लेता है तो कोई आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं। आप नज़दीकी चिकित्सालय में जाइए, ना किसी हीम हकीम के चक्कर में पड़िए। और कोई भी आपको सांप मिले तो वन विभाग को आप सूचित जरूर कीजिए, वन विभाग आपको रेस्क्यू टीम के साथ आकर के उस सांप को रेस्क्यू करेगा। सांप को मारना बहुत गलत है, ये एक जगह अपराध है, इसको प्लीज आप ना करिए। यही इसी संदेश के साथ मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि वन मित्र और पर्यावरण मित्रों के साथ कभी भी आप उनको नुकसान ना पहुंचाएं। हमें पर्यावरण बचाना है और इन सांपों को भी हमको बचाना है, क्योंकि जो हमारे पर्यावरण मित्र हैं, इन सांपों को मारने की गलती बिल्कुल ना कीजिएगा। बिल्कुल आपके नजदीक कहीं सांप दिखाई दे तो हमें हमसे संपर्क कीजिए, हमारे वन विभाग अधिकारियों से संपर्क कीजिए, तो हम उनको रेस्क्यू करके उनको वापस उनके पर्यावरण में हम छोड़ देंगे उनको।